और इस बीच में हल्के हाथों से स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल के रन के निकल गए दोनों बल्लेबाज और रन दौड़कर पूरा भी किए और अब तैयार। और थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ लेवरेज दी, उसको उछाल के मारा है, बॉल जा रही है वहां पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पे नेट से लग के बॉल जब तक फील्डर के पास आती तब तक दोनों ही खिलाड़ी के पास में मौका एक एक रन भागने का और एक रन भाग कर पूरा कर लिए। और इस बीच में वहां पे बल्ले का एज लेके बॉल चली गई पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी दौड़कर बॉल को उठाते दोनों ही खिलाड़ी ने आपस में अपना अपना छोर बदल लिया। और इस बीच में अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने उसको देखा परखा, वहीं पे खेला बिना किसी रन के और फिर से तैयार। और इसमें थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, वहां पे खिलाड़ी के पास मौका था, उनके हाथों से बॉल छिटक गई, एक शानदार कैच हो सकता था अगर वो ये कैच को लपक लेते थे, लेकिन वो मौका जाता हुआ एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को, और इस तरीके से एक रन का और इजाफा हुआ, 4 रन टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। ये पहले ओवर की गेंदबाजी जारी है हरीश के द्वारा। और इस बीच में बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद ऑफ स्टंप पे गिरने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ मूवमेंट देखने को मिली गेंद में। और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। और अब और इस बीच में थोड़ी सी ओवर पिच लेंथ की बॉल थी, लेकिन उनके हाथों से बॉल छिटक गई, ये एक आसान सा मौका गवाता हुआ, क्या ये मौका काफी भारी साबित हो सकता है, बहुत ही जबरदस्त कैच गया था उनके हाथों में और उन्होंने आसानी के साथ उसको टपका दिया नीचे, कहीं ना कहीं बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ लिए थे, लेकिन जैसे ही देखा वो वापिस अपने छोर पे डटे हुए। और स्पीच अच्छी गेंद थी, गेंद गुड लेंथ के एरिया में गिरने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई बल्लेबाज ने उसको हल्के हाथों से वहीं पे खेला बिना किसी रन के और अपने आप को सुरक्षित रखा फिर से। और इस बार जोरदार स्ट्रोक खेलना चाहते थे थोड़ा सा आगे निकल करके, लेकिन बॉल चली गई स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और रन भाग रहे, इस बीच में एक रन दौड़ कर पूरा भी किए। और छह रन दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है, 2 ओवर में अभी तक 3 गेंद हो चुके हैं, 3 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ, सामने बल्लेबाज तैयार। और इस बार गेंद गिरी थी स्लॉट में, उन्होंने बल्ला घुमाया, बॉल चली गई सीधे स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ, जब तक वहां पे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से आकर बॉल को उठाते मौका एक रन भागने का, एक रन भागकर पूरा कर लिए और फिर से तैयार बल्लेबाज और गेंदबाज भी तैयार। अच्छी गेंद थी, उसको हल्के हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में दबाया बिना किसी रन के। और इस बीच में वाइड बॉल का इशारा, एक सीधी डायमंड एक्स्ट्रा जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में, और सीधे बॉल थ्रू में बॉलर के पास कैच चली गई थी और उसके पास मौका था लेकिन वो मौका जाता हुआ, और दर्शकों में काफी उत्साह। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 8 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, काफी अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है, गेंदबाजी जो हो रही है अभी बहुत ही जबरदस्त, 8 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, दोनों ही बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा है अभी तक
गेंदबाजी अच्छी हो रही है और अब बल्लेबाज इससे निकलने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और इस बीच में अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे गिरने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए चले गए। वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, एक सीधी डायमंड। और इस बीच में थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी और उसको खेल दिया, बॉल चलेगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। एक आता हुआ रैंक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सिक्सर की शुरुआत यहां पे होती हुई। और इस बीच में फिर से उछाल के खेला है, बॉल जा रही वहां पे खड़े खिलाड़ी के पास, लेकिन उनके हाथों से बॉल छिटक गई। एक और मौका जाता हुआ और इस तरह से अभी तक काफी सारे मौके आए हैं, उसको गवाया है फील्डिंग की टीम ने, उसको कैच में तब्दील नहीं कर पाए और 16 रन टीम का स्कोर है बिना किसी नुकसान के। और इस बीच में हल्के हाथों से खेल के रन के लिए निकल गए और रन आसानी के साथ पूरा भी किया और 1 रन से ही संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। और इस बीच में गेंद गिरी स्लॉट में, पार्क हुई बाजू वाले प्लॉट में, एक और रैंक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सिक्सर आता हुआ। और इस बीच में फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, उसको फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में चले गए, बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ब्रेंटन टेक्नोलॉजी चौका आता हुआ, तो ये ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे बल्लेबाज और वो अब कहीं ना कहीं गेंदबाज के लाइन और लेंथ के साथ में खेलने का प्रयास चालू कर दिए हैं। और इस बीच में फुल टॉस लेंथ की बॉल, वहां पे फिर से हाथ से समाप्ता नीचे छिटक गई बॉल। तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 28 रन। बिना किसी नुकसान के चौथे ओवर की गेंदबाजी के लिए लेडी गेंदबाज के रूप में आई है गेंदबाजी करने के लिए डॉक्टर दीप्ति, रन बाकर पूरा कर लिए। और इस बीच फुल टॉस लेंथ की बॉल बनाकर उसको खेल दिया सीधे बल्ले से, बॉल चली गई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में और 1 रन भागकर पूरा भी किए। टीम का स्कोर है 30 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तक 2 गेंदों पे 2 रन ही बटोर पाए इस ओवर में। और इस बार फिर से मौका था लेकिन गेंद चली गई वहां पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन से ही संतुष्ट, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कही जा सकती है। 3 गेंदों पे केवल 3 रन खर्च किए, किफायती साबित हो रही है। डेड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा और फिर से तैयार। और इस बार और
अंपायर का जो डिसीजन होता है वो सर्वमान्य होता है, तो अंपायर से डिस्कशन नहीं होना चाहिए, अंपायर का मान सर्वमान्य गेम में सर्वोपरि माना गया है, तो कहीं ना कहीं अंपायर डिसीजन दर्शकों में काफी उत्साह यहाँ पे इकतीस रन टीम का जो स्कोर है 31 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है, दो बॉल बाकी है। चार गेंदों का खेल हो चुका है, दो गेंद का खेल शेष बचा हुआ। इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है, अभी तक एक भी बाउंड्री बॉल नहीं आई है। और इस बीच में थोड़ी सी फुल टॉस लेंथ की बॉल, लेकिन बल्लेबाज ने उसको सीधे बल्ले से खेला, एक रन से ही संतुष्ट किया, और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर है 32 रन। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, एक भी अभी तक बाउंड्री बॉल देखने को नहीं मिला है, काफी लाजवाब गेंदबाजी। और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, बल्लेबाज ने उसको पढ़ लिया था और जड़ दिया उसको रियांग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सिक्सर के लिए। और इस तरह से इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, चार ओवर की समाप्ति के बाद, बिना किसी विकेट गंवाने के बाद, चार ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन। और आगे का आपको कमेंट्री सुनाने के लिए आ रहे हैं राजेश जी। थैंक यू चौधरी, थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं ओवर नंबर फिफ्थ की। 38 रन विदाउट लॉस। हेलो, जाने दिया गेंद को ऑन साइड पर दीपक सर का, यहां पर रनआउट का खतरा लग रहा है। यस, बड़ा विकेट चिंतन के रूप में। बहुत बड़ा विकेट कहूंगा मैं, चिंतन के रूप में जाता हुआ। थोड़ी सी मायूसी छाई हुई, क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला, बड़े मंच पर, बड़े मैदान में बड़ा विकेट मिलता हुआ, जीत का जश्न। बीएनए आई मुंबई आईसीपीएल इंटर चैप्टर प्रीमियर लीग 2024 सीजन सातवा, 20 सालों से कार्यरत आपके लिए बीएनए मुंबई। टाइटल एंड स्पॉन्सर मिस्टर जतिन गुप्ता मनी एज, पावर्ड बाय मिस्टर आलोक नाग ANH कैपिटल। यस, ये वाइड होगा। यस, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त गेंदें मिलती हुई, चिंतन का विकेट, सच में चिंतन जैसा बड़ा मैच। ये लीजिए पार्लियामेंट का अच्छा यूज करते हुए प्रणीत आए स्ट्राइक पर इस समय, और कुणाल अपना खाता खोलते हुए, कुणाल परमार 4.141 पर एक विकेट। जबरदस्त एक्सटेंडेड डिलीवर फॉर यूजवान, दैट्स अ मैक्सिमम। प्रणीत हल्ला बोल रहे हैं और बल्ला भी बोल रहा है, रन नहीं आगे बोल रहे हैं, क्या जबरदस्त छक्के के साथ। और यहां पर जेवर प्लस
रिवर प्लस के टोटल स्कोर में प्लस होता हुआ। ओह क्या बात है, ये भी वाइट, अतिरिक्त गेंद अतिरिक्त रन और जेवर प्लस के अनदर वाइट। दोस्त देखिए, जुनून देखिए, जेवर्स प्लस के हम सबके जेवर दिखते हुए यहाँ पर खुशबू मैम जो बहुत अच्छा चेयरअप करती हुई। अनदर सिक्स फॉर मैक्सिमम, ह्यूज वन, लॉन्ग रन की तरफ से छह रन आता हुआ, टीम का स्कोर 50 के पार 55। बताना चाहूंगा जेवर प्लस को बहुत अच्छा चेयरअप करते हुए खुशबू मैम, रोमा मैम, राधिका मैम, मृत्युजय सर, दीपेश सर और केतकी, बहुत बढ़िया चेयरअप करते हुए टीम के लिए। लॉन्ग ऑन पर यहाँ पर फील्ड होता हुआ, जब तक एक रन पूरा करते हुए अच्छा। जेवर प्लस के सभी सपोर्टर्स खुशबू, रोमा, राधिका, मृत्युजा, दीपेश सर, केतकी, ओ कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, फिर भी रन। ये देखिए ज्यादा जोश और होश, अच्छी फील्डिंग, लास्ट बॉल, ये लास्ट बॉल होगी, बढ़िया बढ़िया। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर के बाद टीम का स्कोर 57 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। टीमों ने सहभागी लिया है, लेकिन 78 टीमों में सबसे बिग फैन फॉलोअर जेवर प्लस और कनिका सॉफ्टवेयर दोनों एक बार जोरदार तरह से बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर और बहुत अच्छे प्लस के साथ क्या चेयरअप करते हुए, बहुत अच्छा यहाँ पर इंटरटेनमेंट करते हुए अलग अलग वेशभूषा में कनिष्का के रमेश सर, प्राची मैडम, विनय सर, राज सर, निशान और नीलम मैडम। ये देखिए कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, फिर भी रन मिलता हुआ क्योंकि बॉल सीधे नेट पे गई ऑन साइड पर। बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, सिंगल आता हुआ 58 फॉर 1। ये एच लगी थी, भाग्य का साथ मिलता हुआ, पॉइंट के पास से मात्र सिंगल। 59 रन टोटल हो चुके हैं। ये देखिए ये भी सिंगल होगा, बड़े शॉट आने की बहुत जरूरत है, बड़े स्कोर खड़े करने की बहुत जरूरत है, बहुत क्रूशियल मैच चल रहा है, क्वार्टर फाइनल। ये सामने की तरफ खेला, हालांकि नेट पे लगी ऊपर की तरफ, वी शेप जोन पे खेला गया शॉट, स्ट्रेट सिंगल ही, चार गेंदों में चार सिंगल। हरीश शर्मा बेहतर को बेहतरीन करते हुए, अद्भुत प्रतिमा अद्वितीय, व्हाट अ बॉलर मैन हरीश शर्मा, चार गेंदों में चार सिंगल, तारीफ करूंगा बल्लेबाजों की भी। नो बॉल का इशारा है, नो बॉल का इशारा है, अंपायर का नो बॉल का इशारा है, प्लस कीजिएगा, अभी का दो रन है। ओ अच्छा सर, अच्छा से बहुत बढ़िया, यहाँ पर दो बनता था लेकिन एक से ही संतुष्ट। 64 टोटल, लास्ट बॉल कट किया, पॉइंट के क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है, मात्र सिंगल। ओवर की समाप्ति, टोटल टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन के साथ 65 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। कनिष्का सॉफ्टवेयर के रमेश शर्मा सर, प्राची प्रभु, विनय सिंह, राज सेठ, निशांत गोराई और नीलम मैम। कनिका सॉफ्टवेयर नाम भले सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत हार्ड काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चेयरअप, और साथ ही जेवर के तेवर, जेवर प्लस, खुशबू, रोमा, राधिका, मृत्युजा सर, उपेश एंड केतकी, व्हाट अ गाइस, बिग फैन, बहुत अच्छे सपोर्ट यहां पर ग्राउंड के बाहर भी, मतलब ग्राउंड के अंदर जेवर की टीम खेल रही है और तेवर बाहर के लोग दिखा रहे हैं, जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया लगे रही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। 65 द लॉस ऑफ वन आफ्टर सिक्स ओवर्स, सातवां और आठवां दो ओवर, 12 गेंदों में कितने रन होंगे, क्या ये मेरे जहन में सवाल है, 100 प्लस होगा कि नहीं, देखना होगा, बने रहिए मेरे साथ। बीएनआई मुंबई सीपीएल सीजन 7, स्क्वायर ऑफ द विकेट गई गेंद, हालांकि सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, वहां पे सुशील भैया फील्ड करते हुए, अपना तन मन धन अर्पित करते हुए सुशील भैया अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। ये कनेक्शन अच्छा है, क्या होगा देखते हैं,
सड़क पे गले 6 रन के लिए जबरदस्त छक्का, बहुत चौड़क पे छक्कों की काफी देर बाद आए। टोटल टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन एक विकेट के नुकसान पर। ये अनदर वन मुझे लग रहा है, मैक्सिमम तो नहीं लेकिन 4 जरूर रन मिलेंगे, 4 तभी तो होगा बेड़ा पार 76। डीएनआई मुंबई सीपी आईसीपीएल आपके सामने प्रस्तुत है। ये लीजिए कार, क्या बात है, खिलाड़ी बना दर्शक 4 रन के लिए। डीएनआई मुंबई बहुत ही जबरदस्त 82 को बहुत महंगा ओवर कहूंगा, 17 रन आया है। जीत का जश्न की शुरुआत होती है डीएनआई मुंबई आईसीपीएल 2024 सातवां सीजन, सातवें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ओ जब दशा खराब हो तो दिशा अपने आप बदल जाती है और गेंदबाज वाइड डालते हुए। ये इनसाइड आउट खेला जरूर है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, जबरदस्त बल्लेबाजी, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। प्रणीत 22 गेंदों में 42 रन और साथी कुणाल 8 गेंदों में 7 रन बनाकर पूरा साथ देते हुए अपने साथी खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल स्कोर 88 पर 1, अभी भी 6 बॉल बचे हैं और 100 को पार के लिए कम से कम 12 रन बनाने होंगे। बहुत महंगा ओवर कहूंगा, आखिरी ओवर लेकर आते हुए बॉलर हिरेन। अच्छा फैन फॉलोइंग थ्रू, ओ यहाँ पर स्टंपिंग का चांस था, मिस आउट किया दीपक सर थोड़ा सा होश और जोश के साथ। 88, 5 गेंदे शेष है। ओहो जबरदस्त बैटलो, देखिए अच्छा सेव, क्या बात है, रिदम टीम के आधार स्तंभ रिदम, जिन्होंने अच्छा सेव किया उनकी बैटिंग देखने में बड़ा मजा आएगा। ओ चढ़ को खोदते हुए हमारे बल्लेबाज। 3-2 आहा कड़क पे जबरदस्त, ये सड़क पे कड़क लगाए 6 रन के लिए, चाबुक शॉट 2-2 और टीम का टोटल स्कोर 95। 2 बॉल बचे हैं, 95 स्कोर, क्या 100 के पार होगा। आहा यॉर्कर बनी गए, हालांकि 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाएंगे क्या, और 2 रन भी, क्या बात है, डायरेक्ट लगी है। अंपायर का कॉल वेट कीजिए, वेट वेट प्लीज। लेग साइड के अंपायर ने देखा है, वेट प्लीज, डायरेक्ट हिट लगी, अंपायर का वेट कर रहा हूँ, कॉल अभी भी नहीं आया है। यस नॉट आउट, बहुत बढ़िया, व्हाट अ रनिंग बिटवीन, एक बार जोरदार ताली है यार। टोटल स्कोर 97 फॉर द लॉस ऑफ वन, 25 गेंदों में 44 रन। प्रणीत आहा लीजिए एक और अतिरिक्त, 2 करना होगा, एक बार जोरदार ताली है, 99 टोटल, आखिरी बॉल बचे हैं। ओहो क्लास देखिए, सिंगल तो आया है, क्या डबल के लिए जाएंगे, नहीं, 100 के पास हुआ रन, टारगेट 101 का है। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़े रंगमंच पर आपके सामने प्रस्तुत है जीत का जश्न बीएनआई मुंबई आईसीपीएल सीजन 7 इंटर चैप्टर लीग चैप्टर प्रीमियर लीग 2024 20 साल से कार्यरत बीएनआई मुंबई। चलते हैं अगले कमेंटेटर हमारे राजेश प्रजापति, जो आंखों देखा आपको आने वाले 4 ओवर बताएंगे। शुक्रिया, मैं बताना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, या कह सकता हूं जो जेवर के तेवर खुशबू मैम, बिग हैंड फॉर हिम, रोमा मैम, राधिका मैम, मुर्तुजा मैम, दीपेश और केतकी मैम, बहुत अच्छा चीयर अप करते हुए। साथ में कनिष्का का जो सॉफ्टवेयर है, बहुत ही हार्डवेयर होता हुआ, रमेश शर्मा, प्राची प्रभु, विनय सिंह, राज सेठ, निशांत गोराई और नीलम, क्या फैन फॉलो हो रहे दोनों, मैदान के बीच में तेवर और सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर होता हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज कंटिन्यू राजेश, थैंक यू सो मच। हेलो
शुक्रिया पांडे जी। अब चलते एक बार फिर से हम मैच की तरफ। यहाँ पर बड़ा लक्ष्य 100 रनों का होता हुआ, 101 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हेलो, चलो एक बार चलते हैं फिर से दूसरी इनिंग की तरफ। ये मैच होता हुआ शुरू होता हुआ 100 रनों का लक्ष्य पर 101 रनों का लक्ष्य रखा है 8 ओवरों में। काफी ये दोनों सलामी जोड़ी ग्राउंड पे आ चुके हैं, सलामी बल्लेबाज। विशाल स्ट्राइक पर होंगे, विशाल स्ट्राइक पर है, रेडी गो। अगेन बाजी का बाहर संभाल रहे हैं बॉलर इनके, शो अपनी इल्लियों की पहली बार शुरुआत करेंगे विशाल को। विशाल देखते हो अपने शुरुआत कैसे करते हैं आगाज में, ये छक्के से चौके से। थोड़ा शोर जो हो रहा है हल्का थोड़ा कम कीजिए, हमें थोड़ा तकलीफ हो रही है स्कोर बताने में। फैन अपनी खुशियां मनाइए, जोहर कीजिए, थोड़ा हल्का कम कीजिए बस। थैंक यू सर। हल्का थोड़ा खेला गया तो अपना खाता खोलते हुए विशाल वहां पर, टीम का भी खाता खुलता हुआ। एम्पायर का फैसला था और 9 बॉल, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी गेंद के। अब देखना होगा स्ट्राइक पर आ गया हिरन, कितने घातक साबित होते हैं। बड़ा बड़ा लक्ष्य 101 रनों का। ओ आगे जाके पर आ किया था यहाँ पर, लेकिन डॉट बॉल, एम्पायर का फैसला आता हुआ, बीट कराया गेंदबाज ने। फ्री हिट का मौका नहीं, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज हिरन ने। विशाल एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अच्छा प्लेसमेंट हुआ भाई, हवा में के जरूर है, हालांकि एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हिरन एक बार दूसरी बार सामना करेंगे, स्ट्राइक पर आ चुके हैं और विशाल स्वप्निल अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए काफी बाहर। एम्पायर का फैसला आता हुआ वाइड बॉल, यहाँ पर दर्शकों का जोर जुनून जारी है और ग्राउंड में टीम तैयार है लड़ाई करने के लिए। और स्वप्निल अपनी काफी अच्छा प्रहार, लेकिन सामने लॉन्ग तरफ एक रन लेने में कामयाब होंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, ये आखिरी गेंद है। विशाल देखते हैं कुछ बड़ा शॉट आता है इनकी इस गेंद पर, अच्छा प्रहार कवर के ऊपर से, यहाँ पर आ गई मौका बनता हुआ।
किरण रिदम आए हैं जो कि अच्छी बल्लेबाजी अभी तक पूरा टूर्नामेंट में की है। अब बॉलर ने यहाँ पे अच्छी गेंद थोड़ा इसको पढ़ नहीं पाए। गौरव स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 11 रन, दो गेंदें आना शेष बाकी है। टू टू गो। अच्छा प्रयास पर भावे गए थे जरूर, बहुत बड़ा विकेट हिरण के रूप में सफलता मिलती हुई। एक बार फिर से पवन शर्मा गाडला वाला विकेट बैट्समैन को सुला डाला, बहुत बड़ा विकेट झटका लगता हुआ। अगरती है जो कि उनकी जगह लेने आई है बल्लेबाज की, अभी देखना होगा कितने सही साबित होती है। वो काफी अच्छी गेंद वहां पर समझ नहीं पाए अगरती। दो ओवर के समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, दो विकेट के नुकसान पर। अभी कुछ खास बड़े शॉट नहीं आए हैं।
अभी तक अच्छी गेंद गेंदबाज द्वारा देखने मिली हमें। अच्छा प्रहार वहां पर रावण में के जरूर है लेकिन कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ 13 रन पे। आखिरी गेंद है, एक गेंद है, लास्ट बॉल बाकी है आने के लिए। अच्छा प्रहार रावण की तरफ, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। थोड़ी धीमी शुरुआत, तीन ओवर में मात्र 14 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता है। विद्या जो कि चौथी ओवर लेके आती हुई, देखना होगा कुछ अपने गेंदबाजी पे कितने सफलता हासिल कर पाती है। हिरन चाहेंगे कि कुछ बड़े शॉट जरूर आवे। अच्छा प्रहार आते ही स्वागत किया उनका, लेकिन मात्र एक रन मिलेगा वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हरीश शर्मा जो कि भी देखना होगा कुछ बड़े हाथ खोलेंगे जरूर। अच्छा प्रहार वहां पर देखना होगा, गई है दूर गई है, पूरे आधे दर्जन लेके गई है। लगता है स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी भी कहूंगा मैं, पहली बार हरीश के बल्ले से बड़ा शॉट आता हुआ। एक बार फिर तो जगह पर यार क्या किया, स्टाम डिलीवर्स, गई है काफी दूर गई है, पूरे आधे दर्जन में देखे गई है। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीन गेंदें आना शेष बाकी है। लगता हुआ सिक्सर हरीश काफी फॉर्म में समय। एम्पायर का फैसला था वाइड बॉल, एक रन और जुड़ लीजिए खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। फिर से वही नतीजा, डायमंड सुकीजी में लगता है फिर व्हाइट टेक्नोलॉजी। अभी भी तीन गेंदें आना शेष बाकी है। स्कोर बोर्ड पर 29 रन। अच्छा प्रहार वहां पर दोनों तरफ, एम्पायर का फैसला आता हुआ 4 रन, चमचम चमाता हुआ चौका लगता हुआ। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दो गेंदें शेष आना बाकी है, एक चौथा ओवर चलता हुआ। स्कोर बोर्ड पे लगे 33 रन, दो गेंद आना शेष बाकी इस चौथी ओवर की। विद्या अभी तक उस कमाल की गेंदबाजी मैं कहूंगा। अच्छा प्रहार कवर के ऊपर थे, एम्पायर का फैसला क्या होगा, 6 रनों के लिए टेक्नोलॉजी लगता हुआ बिग सिक्सर। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक आखिरी गेंद आना शेष बाकी है चौथे ओवर की। थोड़ी धीमी शुरुआत जरूर कहूंगा मैं इसे भी। फिर से आया मौका था वहां पर एक, फिर भी आसानी से हरीश ने अपना एक रन भाग करके पूरा कर लेंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू राजेश प्रजापति, हमारे साथी कमेंटेटर के साथ बताना चाहूंगा स्कोर टोटल जो बने हैं इस समय 40 रन बने 4 ओवर के पश्चात और 3 विकेट के बाद। देखिए रिदम को आपने आउट किया, बहुत अच्छा विकेट था, बड़ा विकेट रिदम के बाद। यहां पर शर्मा जी जिनका विकेट आपको लेना होगा तभी आप मैच जीत सकते हैं। जीत और हार की दीवार, व्हाट अ शॉट मैन, स्टैंड एंड डिलीवर पर युजमैन, लगेंगे रन चार तभी तो होगा बेड़ा पार, सुपर चार। शुरुआत बढ़िया इस ओवर की, पांचवा ओवर प्रगति पर, पहली गेंद पर चार, वहां पर फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर, मात्र एक ही रन, निरन होंगे स्ट्राइक पर, जीरो प्लस, थोड़ी सी मुस्कुराहट में। इसके पहले वाला मैडम का जो ओवर था वो भी थोड़ा महंगा था। ये लीजिए कदम का इस्तेमाल किया है, अच्छी बॉलिंग, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ, अपने टीम के लिए 3 रन तो बचाए जरूर, अति सुंदर,
एक बड़े मैदान में बड़े मंच पे बड़े रंग मंच पर आपके सामने बड़ा मुकाबला, चीर प्रतिद्वंदी टीम आपके सामने भिड़ती हुई, कनिष्का सॉफ्टवेयर और जेवर प्लस वाइड बॉल का इशारा, रन। ओहो बढ़िया गेंद, क्या बात है, ये लाइन अच्छी लग रही है मुझे, ऑफ साइड के चौथे स्टंप के बाहर, टू टू गो, ये तो सामने मार दिए, सामने के तरफ मारा है, जबरदस्त छक्का ये। टोटल टीम का स्कोर 50 के पार, हरीश शर्मा एक बार जोरदार दे रहा, 50 प्लस टीम का टोटल स्कोर, हरीश शर्मा ऑन फायर, बॉल ऑन द एयर, फ्राइडे की टक्कर, सर चढ़ के बोल रहा है, इस बार खराब गेंद ऑन साइड पर, हालांकि सिंगल लेके थ्रो काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया थ्रो यार, क्या बात है, टीम पे फील्डिंग साइड में बहुत अच्छा मोमेंटम है, हर खिलाड़ी अपना 100% योगदान दे रहा है, बस बात यह है कि आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा संयम बना के खेलिए, टीम का स्कोर इस समय टोटल 55, 5 ओवर के बाद 18 गेंदों में 46 रन चाहिए, 18 गेंदों में 46, 46 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 18 बॉल्स, हरीश शर्मा जीत और हार की दीवार की तरह खड़े हुए दोनों टीमों के बीच में, रिदम बड़ा विकेट आउट होने के बाद ये एक खिलाड़ी आपके सामने जो नजर आ रहे हैं फुल ऑन फॉर्म में, अब तक बढ़िया किया है, आगे बढ़िया करेंगे क्या, लेकिन गेंदबाजी क्रम में क्या चेंजेस होगा और कौन सा गेंदबाज आएगा, ये थोड़ी दिशा इन गेंदबाजी, वाइड बॉल का हिस्सा रहा अंपायर का, चलिए कैच नहीं दोस्त, एक गोल्डन ट्रॉफी के अंदर चमचमाती जो ट्रॉफी उसके पास जाता हुआ और बड़ी मछली जाल में बसती हुई और जीत देखिए, जोश देखिए, जुनून देखिए, पूरा टीम मैच ने वर्क क्या किया है, कैच नहीं दोस्त, ओवर का त्योहार, डबल होता हुआ और चमचमाती, सत्रह गेंदों में 46 रन और नए बल्लेबाज के रूप में देखते कौन से खिलाड़ी आते हैं, हरनीत सिंह, ओहो सही है, ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी फील्डिंग, अति सुंदर फील्ड करते हुए, फील्डिंग साइट काफी मजबूत, हर क्षेत्र में अपना 100% योगदान, धीरेन सर बहुत कुछ निर्भर, ओहो सिंगल से काम नहीं चढ़ेगा, बड़े हिट लगाने होंगे, एक दो आने दो लेकिन साथ में चौका छक्का आने दो, जरूरत है हरनीत लीजिए, अंपायर का इशारा, चरण क्या बात है, हरनीत अपने व्यक्तिगत स्कोर 2 गेंदों में लीजिए 7 रन और अंपायर का इशारा, चरण क्या बात है, गेंदों में 9 रन, ये कैच होने की संभावना, ये क्या बात है, एक एक कैच, एक एक मैच और एक एक विकेट, मैच और ट्रॉफी के बीच का फासला जो है वो कम करता जा रहा है, क्या जबरदस्त, ये क्या चौका, क्या बात है, एक एक कैच, एक एक मैच और एक एक विकेट, मैच और ट्रॉफी के बीच का फासला जो है, बहुत बड़ा योगदान दिया है आज, वो जरूरत है उस योगदान को, कितने अनुपयोगी साबित होते हैं देखना होगा, सुशील दुबे ऑन स्ट्राइक, रन बहुत चाहिए, 12 गेंदों में 37 रन, पूरा जोश और जुनून के साथ पूरे फील्डिंग साइड, क्या बात है, 12 गेंदों में 37 रन चाहिए, ओवर की समाप्ति, धूप काफी कड़क है लेकिन मैच भी उससे ज्यादा कड़क है, बीएनआई मुंबई आईसीपीएल इंटर चैप्टर प्रीमियर लीग 2024 सीजन 7वां, 20 साल से
आपके साथ कार्यरत बीएनआई मुंबई जीत का जश्न। पैडल स्पॉन्सर मिस्टर जतिन गुप्ता मनी एज, साथ में हमारे पावर्ड बाय मिस्टर आलोक नाग एएनएच कैपिटल के जो हमारे ओनर हैं, दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ आवर कमिटी बीएनआई मुंबई आईसीपीएल सीजन 7। चलते रहिए, 12 गेंदे 37 रन 37। हिमांशु जी का गणित काफी तेज है लग रहा है, बढ़िया है। 37 रिक्वायर फ्रॉम जस्ट 12 डिलीवरी। सुशील सर, सुशील भाई नॉन स्ट्राइक पर, हिरेन भाई स्ट्राइक पर है गेंदबाजी के लिए आते हुए। गेंदबाज बॉलर नेम चिंतन शाह। हाँ, ये रन नहीं चलेगा, सिंगल डबल चौके छक्के आने होंगे। जो फासला है जीत और हार का बढ़ता हुआ, सुशील दुबे अ मैन फ्रॉम बांडू। ओ बड़ा विकेट, ये भी देखते हैं अंपायर कैसा। यस गॉन, स्टंपिंग है। हिमांशु बहुत ही चतुर चलाक विकेट कीपर, हर विकेट पर कुछ ना कुछ हलचल हो रहा है। और जैसे जैसे जीत पास में आ रही है, जेवर के टीम के तेवर बदलते हुए डबल प्लस के साथ। नए बल्लेबाज अच्छा दीपक आए हैं नए बल्लेबाज। ओ अच्छी कीपिंग, हिमांशु अपना 100% योगदान देते हैं विकेट के पीछे पूरी तरह, जोश और जुनून। ओ फर्नीचर लॉस्ट, व्हाट अ बॉल मैन, योगदान देते हैं विकेट के पीछे, बहुत ही सुंदर जोश और जुनून का। और विकेट नंबर जो गिरा है वो 7 गिरता हुआ, फर्नीचर लॉस्ट 8 और रन चाहिए 36। 8 बॉल 36 चाहिए, ध्यान देना कैलकुलेशन। ओ माय गॉड, ये अनबिलीवेबल कैच था, जो गिरेगा वही। जस्ट वेट, स्कोरिंग जानना चाहूंगा, विकेट है क्या? नहीं, विकेट कितना गिरा है? ओ माय गॉड, ये अनबिलीवेबल कैच था, जो गिरेगा वही। आज विकेट गिर चुके हैं, स्कोरिंग जानना चाहूंगा, विकेट है क्या? अच्छा, अब दीपक सर आते हुए, जो दूसरे दीपक है, इसके बाद मतलब ये विकेट और अगला, दो विकेट बचा है, ध्यान दीजिएगा। 65 रन बने थे जब 6 ओवर था, और आखिरी दौर में जो 35 रन आया ना, वही भारी पड़ रहा है। और अब देख सकते हैं 6 बॉल पे जीत के लिए 36 रन चाहिए। कनिष्का सॉफ्टवेयर को 6 गेंदों में 36। हिरेन सर याद कीजिए, रवि शास्त्री को याद कीजिए, युवराज सिंह को 6 बॉल 6 आज, और रिपीट कर सकते हैं आप भी, 6 बॉल 36। दिल्ली दूर है लेकिन मंजिल दूर नहीं, देखना होगा, बने रहिए। आखिरी क्षण, आखिरी गेंद, आखिरी मुकाबला, आखिरी विकेट तक कुछ नहीं कह सकता क्या होगा। और आखिरी ओवर 6:36, अब देखना होगा आखिरी ओवर लेकर जो आ रहे हैं गेंदबाज का नाम रुनाल परमार। 6 गेंदे 36, 1 बॉल का गेम है ना, ऑलमोस्ट ग्रैब किया है यहां पर जेवर प्लस पूरे लय में। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड है, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल का इशारा है। पांच गेंदों में 34 रन।
हिरन भाई पूरा ओवर खेलेंगे, चार गेंदे बची हैं, बहुत रन चाहिए। ये शॉट अच्छा था, देर आए दुरुस्त, लेकिन आए तो सही, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से छे गया है, काफी देर बाद आ रहा है लेकिन आना चाहिए। दो का लिए कॉल दिया है, देखते हैं काफी तेजी से भागते हुए, क्या ये रन आउट होंगे, यस आउट, और अब आखिरी विकेट के लिए मैम को आना होगा। बड़ा मैच है, बड़े रंगमंच पर, बड़े मैदान में आपके बीच में चलता हुआ, कनिष्क सॉफ्टवेयर वर्सेस जेवर प्लस के बीच मैच, टोटल स्कोर टीम का बना था 100 रन, 101 का टारगेट दिया था, चेसिंग करते हुए अब तक इनसाइड एज लगी, इरन बाय एज ओपनर आई थिंक सो। आखिरी गेंद है, टोटल टीम का स्कोर 74, एक बॉल पे 27 चाहिए। जेवर प्लस, ये लीजिए जेवर का त्यौहार, हारी है डबल प्लस के साथ, विजेता होती हुई, सुपर विन, इट्स हार्ड लक टू करिश का सॉफ्टवेयर, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छा पूरे टूर्नामेंट में स्टडी के चार मैचेस जीते थे, उसके बाद एक मैच में थोड़ा सा 19-20 हुआ था, और अब की ये उनका छठवां मैच जिसमें हार का सामना करना पड़ा। वो याद कीजिए 6 ओवर में सिर्फ 65 थे, लास्ट के 2 ओवर में 35 आए, मैम ने बहुत अच्छा ओवर डाला था, पूरा चेंज ऑफ गेम आखिरी 2 ओवर में बल्लेबाजी क्रम।